नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं अयोध्या को लेकर। समाजवादी पार्टी का योगी सरकार पर बड़ा आरोप, अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है। अखिलेश यादव सीधे तौर पर यहां योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं, कहा पूरे प्रदेश में बीजेपी ने लूट मचा रखी है, अयोध्या को लूट सकते हैं तो बाकी राज्यों में क्या होगा, हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या का विकास करेंगे। तो किस तरह से आज हमलावर हुए अखिलेश यादव योगी सरकार पर, अयोध्या को लेकर उन्होंने यहां पर तंज कसा, आरोप लगाया अखिलेश यादव ने और साथ ही कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या का विकास करेंगे। और साथ ही यह भी कहा कि अयोध्या में सबसे बड़ी लूट हुई है, पूरे प्रदेश में बीजेपी ने लूट मचा रखी है, अयोध्या को लूटा है तो बाकी राज्यों में क्या होगा, इसको लेकर अखिलेश यादव योगी सरकार को घेरते नजर आए। और साथ में यह भी क्लियर किया कि हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या का विकास करेंगे। तो अखिलेश यादव अयोध्या को लेकर बेहद हमलावर दिखे। कि अयोध्या का काला चिट्ठा लूट का जो उन्होंने आज बताया है, वो जानकारी दी है, ये केवल अयोध्या का नहीं है। अगर अयोध्या जैसी पावन धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी के लूट कर सकते हैं तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में और जिलों में कितनी लूट हो रही होगी। अयोध्या जैसी पावन धरती पर जो किसान स्वयं ऐसे अच्छे कार्य के लिए जमीन देना चाहते थे, जिस समय मांग थी कि सर्किट बढ़ाया जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, सरकार ने किसानों को कहीं मुआवजा नहीं दिया, जो उनकी मांग थी उसके अनुसार। लेकिन जब गरीब किसान भोले भाले लोगों से जमीन ले ली, जब दूसरे लोगों के पास जमीन पहुंच गई और अपने लोगों के पास उनके जमीन पहुंच गई, उसके बाद अयोध्या का सर्किल रेट से लेकर के सब बढ़ा दिया गया। क्या ये राजस्व की क्षति नहीं है? और मुझे खुशी इस बात की कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की सूची और अधिकारियों ने जिन्होंने जमीन ली है उनकी रजिस्ट्रियों की कॉपी हमें दी है। ये रजिस्ट्रियों की कॉपी है। और यही नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में फाइल में है ये सब। केवल यही लूट नहीं हुई, सेना जैसी जो डिफेंस है उस डिफेंस के जमीन से कोई छेड़खानी नहीं करता, कभी इस डिफेंस की जमीन की तरफ कोई नहीं देखता। और जहां पर फायरिंग रेंज थी, जहां पर आर्टिलरी या और अभ्यास के लिए इस्तेमाल जमीन होती थी, उस जमीन को भी इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बेच दिया। और देखिए इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी फर्जी एनकाउंटर की राजधानी है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा। रात में पुलिस आई और मंगेश को उठाकर ले गई। सुल्तानपुर एनकाउंटर केस को लेकर लगातार अखिलेश यादव किस तरह से हमलावर हो रहे हैं, कहा उन्होंने दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते, यूपी में अन्याय की सीमा टूटी। तो यहां अपराध को लेकर भी जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं उसको लेकर भी सवाल उठाते नजर आए अखिलेश यादव। कि मुंह पर टेप लगा दिया जाए, हाथ पैर बांध दिए जाएं और पीट पीट करके उसकी जान ले ली जाए, क्या ये सुल्तानपुर की पहली घटना थी? इससे पहले भी इसी तरह की घटना हुई थी, अगर आपको याद हो, कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखने वाले ने एक हत्या की थी वहीं पर सुल्तानपुर में। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी उठा ले गई।
और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं। मानस, क्या ये माने, क्योंकि अभी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं और ऐसे में इसी का ये असर है कि कोई भी मुद्दा अपने हाथ से समाजवादी पार्टी नहीं जाने दे रही, चाहे वो सुल्तानपुर एनकाउंटर का मामला हो या अब हालिया उठाए ये अयोध्या जमीन घोटाले का मामला। देखिए, अयोध्या में जमीनों को लेकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से पहले भी आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं हुआ था, उससे पहले भी तमाम दस्तावेजों के साथ पवन पांडे आए थे और उन्होंने भी तमाम उस समय भी आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में ट्रस्ट ने इनकार किया, लेकिन अभी हाल फिलहाल फिर से ये कुछ रजिस्ट्रियां लेकर के आए हुए जो आज अखिलेश यादव को सौंपी गई है। और अखिलेश यादव ने कहा है कि इसका पूरा अध्ययन करने के बाद वो इस पूरे मामले को नेता विपक्ष लोकसभा में यानी राहुल गांधी को सौंपेंगे और दोनों सदनों में इस मामले को उठाएंगे। देखिए, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का हारना और समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद का जीतना, इसका सियासी मैसेज इतनी दूर तक गया है कि अब अयोध्या को लेकर के समाजवादी पार्टी अपने तेवर बिल्कुल भी ढीले नहीं करना चाहती। आज अखिलेश यादव ने यह दावा भी किया कि जिस तरीके से अयोध्या में बीजेपी को हराया है लोकसभा चुनाव में, वैसे ही मिल्खीपुर का विधानसभा का उपचुनाव भी बीजेपी वहां से हारेगी। और वहां पे जो लोग किसान जो पीड़ित हैं, जिनके मकान जी, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि जिस तरीके से सदन में सवाल उठाया गया था, बाद में ये कहा गया सरकार की तरफ से कि नहीं सभी को मुआवजा दिया गया है, तो 10 ऐसे परिवारों की सूची लेकर के भी आज अखिलेश यादव से पवन पांडे मिले थे, जिसमें यह कहा गया कि इनके मकान तोड़े गए जो 3-3 पीढ़ियों के मकान थे और उनको 1 भी रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। पूरे मुआवजे की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए कि लाखों रुपए की जमीन और तौड़ियों के दाम पर उनको मुआवजा दिया गया, बुलडोरों से मकान तोड़ा गया। तो एक बड़ा सियासी मुद्दा है अयोध्या, जिसको लेकर के अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहते जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी कर सकते हो। ऐसे में जो दस्तावेज आज सौंपे गए हैं अखिलेश यादव को, उसमें तमाम आज जो लोग थे अलग अलग गांव से, वो भी आज आए हुए थे पवन पांडे के साथ। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर वो अखिलेश यादव मीडिया को संबोधित कर रहे थे, वहां पर वो तमाम लोग भी मौजूद थे। तो निश्चित तौर पर अयोध्या को लेकर के आने वाले वक्त में भी समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर रहेगी, क्योंकि मिल्खीपुर का जो उपचुनाव है, दरअसल ये उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो 9 सीटें एक तरफ है और मिल्खीपुर का उपचुनाव एक तरफ है, लिहाजा ये रस्साकशी अभी जारी है। बिल्कुल, और ये संकेत दिख रहा है कि इस बार यूपी के 10 सीटों के उपचुनाव के लिए कौन से बड़े बड़े मुद्दे यहां पर होने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानस, इस तमाम जानकारी के लिए।